ये मैंने ये 2 कप चावल का आटा लिया है और 1 कप बेसन लिया है। ये चावल का आटा आराम से बाजार से मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप चावल को भिगो के उसको सुखा के पीस ले और छान ले, पाउडर बन जाता है। ये सब मैं बेसन को छान रही हूँ। वैसे बेसन में कुछ नहीं है, सिर्फ ये गुठलियाँ मिटाने के लिए, इससे छानने से गुठलियाँ सारी ख़त्म हो जाती हैं। ये मैंने 1 कप बेसन लिया था जिसको मैंने छान लिया है और 2 कप मैंने चावल का आटा लिया था। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। 1 चम्मच अजवाइन, अजवाइन को आप हाथ से मसल कर फिर डाल लें जिससे कि इसमें फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। ये अजवाइन मैंने डाल दी। 1 चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। मैंने 1 चम्मच ही नमक डाला है, नमक कम डाला है मैंने, और 2 चम्मच हमने तिल डाल दिए हैं। ये ऑप्शनल है टोटली, अगर आपके पास है तो आप डाल दें, अगर काले तिल हैं तो आप काले तिल भी डाल सकते हैं। मेरे पास सफ़ेद थे, मैंने सफ़ेद ही डाल दिए और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारा नमक और मसाले मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें मोन डालने के लिए 3 टेबलस्पून मैंने मक्खन लिया है। मक्खन की जगह आप देसी घी भी डाल सकते हैं। 3 टेबलस्पून मक्खन है जिसको हमको गर्म कर लेंगे। ये मेल्ट कर लिया, अब ये सारा मक्खन इसमें डाल देंगे और चम्मच से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि गर्म है, इसका डो तैयार करना है, उसके लिए हम पानी गर्म कर लेंगे। पहले चम्मच से मिक्स कर लें, उसके बाद हाथ से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि मक्खन अच्छी तरह से सारे इसमें मिल जाए। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको एक हाथ में मुट्ठी बना के देख लें। अगर तो मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब हमारा मोन बिल्कुल ठीक है। अगर मुट्ठी कम है तो इसमें आप थोड़ा सा घी या मक्खन और डाल सकते हैं। अब इसमें गर्म पानी कर लेंगे, गुनगुना गर्म पानी है, और उसको डाल के हम आटे को गूंद लेंगे। आटा हमने बहुत ज़्यादा नरम नहीं गुनना और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गुनना, बिल्कुल आटा हमने जैसे हम पूड़ी के लिए आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा ढीला। इतना आटा गूंदने में मेरा 1 कप और 1 चम्मच के करीब पानी लग गया था। आप देख लें अपने हिसाब से, ये देखिए इतना सा एक एक्स्ट्रा लगाया, 1 टेबलस्पून। और इसको मसल लें और एक डो बना के इसका तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा हाथ के ऊपर तेल लगा लें और इसको लगा के इससे गूंद लें ताकि ये चिपके ना। ये देखिए ये हमारा डो बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे।